अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, आज की वीडियो रिंग रोड के मुतल्लिक यानी रावलपिंडी रिंग रोड के मुतल्लिक एक ख़बर है हमारे पास, कुछ सवालात भी हैं आपके, तो उस पर हम बात करेंगे। चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, तकरीबन 1.45 या इससे भी कुछ ज़ायद पैसे पंजाब गवर्नमेंट ने जारी किए, और वो पैसे क्या रिंग रोड के लिए आए हैं? कहां पर खर्च होंगे? क्या इन सियासी हालात के बावजूद रिंग रोड को दोबारा शुरू किया जा रहा है? तो ये बहुत सारे हमारे जो नाज़रीन हमारी वीडियोस देखते हैं रिंग रोड के मुतल्लिक, तो उनके सवालात थे। चूँकि रियल स्टेट सेक्टर से वाबस्ता बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर भी है, तो वो सवालात करते हैं कि क्या ये जो पैसे आए हैं ये रिंग रोड के ऊपर ही खर्च होंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि ये पहले पैसे आए थे, पंजाब गवर्नमेंट ने जारी किए थे, लेकिन जैसे ही केयर टेकर सेटअप आया तो उन्होंने ये पैसे वापस मंगवा लिए। अब उन्होंने ये पैसे दोबारा रिलीज़ किए हैं, जिसमें जो कचहरी चौक रीमॉडलिंग का मंसूबा है उस पर खर्च होंगे और बाकी पैसे रावलपिंडी रिंग रोड के मुतल्लिक खर्च करने का हुक्म पंजाब गवर्नमेंट का जो ये निगरान सेटअप है इसने दिया है। तो इसका मतलब ये तो यही हुआ कि रिंग रोड रावलपिंडी दोबारा शुरू होने जा रहा है। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि ये जो रिंग रोड का मंसूबा है ये मंसूबा बहुत ही ताखीर का शिकार रहा। कई दहाइयों से इस पर मुख्तलिफ सियासतदानों ने अपनी सियासत भी की है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिंग रोड का जो मंसूबा था यानी पीटीआई दौर में इस पर बड़ी पेशरफ्त हुई, बहुत सारे इसके ऊपर प्रोग्राम्स हुए, इफ्तिताह भी हुआ इसका, और यानी ये एक रावलपिंडी और इस्लामाबाद का यानी गेम चेंजर इसको आप कह सकते हैं। ये इसमें बहुत एक बड़ा बूम बिजनेस में इस रिंग रोड के बनने से आएगा। अब मुझे नहीं समझ लगती कि क्या वजह है कि इसके ऊपर ही क्यों सियासत की जा रही है। इमरान खान दौर में इसके ऊपर जैसा कि आप जानते हैं कुछ करप्शन के मामलात हो गए, यानी इसका जो रूट था उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया, इसका बजट बढ़ गया, जिसकी वजह से कुछ इंतज़ामिया के लोगों के ऊपर मुकदमात भी हुए, जेलें भी हुई, लेकिन वो फिर बाहर आ गए। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाता है। बहरहाल नाज़रीन, अब इस पर नाज़रीन ये पेशरफ्त आप समझ लें कि ये जो पैसे आए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने जो ये पैसे रिलीज़ किए हैं, तो इसमें कचहरी चौक रीमॉडलिंग है, उसके बाद जो पैसे हैं वो रिंग रोड की मद में गवर्नमेंट ने जारी किए हैं। तो अब अगर हम इसको बात करें कि अगर ये मंसूबा शुरू होता है, अल्लाह ताला कुछ इनके दिलों में ऐसी चीज़ डाल दे कि इस मंसूबे को शुरू करें, और ये जो दरीना लटका हुआ मंसूबा है अपनी तकमील की मंजिलें तय करना शुरू कर दे, तो इसका अगर बनने की बात हम करेंगे तो इसको तीन पोर्शन के अंदर बनाया जा रहा है। यानी पहला रवात से जो है वो है चकबेली तक का मंसूबा, फिर चकबेली से जो इसका रूट है आगे वो फिर अड्याला रोड, फिर अड्याला से चक्री वाला क्रॉस करके फिर ये इस्लामाबाद का जो मोटरवे है उसके साथ यानी ठलियाँ इंटरचेंज के साथ ये कनेक्ट होगा। तो मंसूबा इसका यही है। बहरहाल नाज़रीन, हमें ये नहीं है कि ये किस तरीके से बनाया जाएगा, कम से कम इस पर काम शुरू होना चाहिए। पैसे आ गए हैं तो अब इस पर मज़ीद ताखीर हुकूमतों को नहीं करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मंसूबा बन जाता है तो इन दोनों शहरों में रियल स्टेट सेक्टर का बहुत बड़ा फ़ायदा तो होगा ही, लेकिन जो साथ मुल्हिका एक जो बिज़नेस हब बनाने का बिज़नेस जून जो बनेगा साथ साथ, उससे ना सिर्फ कारोबार बढ़ेगा बल्कि इन दोनों शहरों के अंदर बहुत बड़ी तरक्की होगी और हुकूमती ख़जाने में भी इजाफा होगा। हम अपनी पिछली वीडियोज़ में बताते रहें, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे थे पिछले दिनों, लेकिन चूंकि अब सियासी अदम इस्तकाम की वजह से हर तरफ एक खामोशी का सा आलम है, तो रिंग रोड मंसूबे के ऊपर पेशरफ्त मैं ये समझता हूँ
कि अगर कोई थोड़ी बहुत इस निगरान हुकूमत के दौर में हुई भी, लेकिन जो प्रॉपर इसके ऊपर जो काम शुरू होना है वो कोई जो स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, जो कोई जमहूरी हुकूमत मुंतखब हुकूमत अच्छी अक्सरियत के साथ कोई हुकूमत बनेगी, तो ही वो रिंग रोड के मंसूबे के ऊपर कोई स्टेप फॉरवर्ड करेगा करेंगी। लेकिन अभी तक तो हाल इस पर इंतहाई सुस्त रवि से काम चल रहा है। हालांकि ये मुल्की तरक्की के साथ साथ हकूमत के लिए तो फ़ायदा होगा, लेकिन आवाम के लिए और बिजनेस के लिए जिस तरह के नामसायद हालात के बावजूद रियल स्टेट सेक्टर बेचारा सर्वाइव कर रहा है, धड़ाधड़ उसके ऊपर टैक्सेस की भरमार होती जा रही है, तो ऐसे में कम से कम यहाँ पे कारोबार बढ़ने से कुछ एक उम्मीद नज़र आ रही थी कि रिंग रोड बनेगा तो काफ़ी सारी बेहतरी आ जाएगी। तो आज के लिए नाज़रीन बस इतना ही। इसी तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो कोई हमारे पास आती है तो वो हम आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के आने तक के लिए अपने मेज़बान एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।